नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना वक्त के साथ नए स्वरूप में हमारे बीच आ रहा है। पहली लहर में करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद दूसरी लहर में अधिकतर लोगों को संक्रमित करने वाली ये बीमारी अब नए स्वरूप के साथ लोगों को अपना शिकार बना रही है। ओमिक्रॉन नामक इस नए वेरियंट के अब तक कई मामले भारत में भी सामने आ गए हैं और अन्य देशों की हालत को देखते हुए अब बच्चों के टीकाकरण की तैयारी हो रही है, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी से होने वाली है, जिसके तहत 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाया जाना है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन का काम कोविन पोर्टल पर किया जाएगा और अन्य लोगों की तरह यहां भी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। हालांकि सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी बच्चों के पास आधार कार्ड मौजूद हो। ऐसे में आधार कार्ड के लिए अलावा कोई और पहचान पत्र नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों का स्टूडेंट आईडी कार्ड भी उपयोग में लाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि आप अपने बच्चों को टीका दिलवाने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर की मदद से कोविन ऐप को लॉगिन करना होगा, जिसके बाद अब कोई भी फोटो युक्त आईडी प्रूफ का ऑप्शन चुनें, अपनी चुनी हुई आईडी का नंबर डालें, फिर जेंडर और डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करें। मेंबर ऐड करने के बाद अपने शहर का पिन डालें और नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर का चुनाव करें। इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार वैक्सीन का स्लॉट चुन सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको रेफरेंस आईडी और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। इसी तरह आप अपने लॉगिन से दूसरे मेंबर को जोड़कर उनके वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार देश भर में करीब 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के हैं, जिनको सरकार जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना चाहती है, क्योंकि हाल ही में पूरी दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते सरकार बच्चों का भी जल्द वैक्सीनेशन कराना चाह रही है। दुनिया भर के देशों के आंकड़ों की बात करें तो 30 से ज्यादा देश अलग अलग शर्त के साथ बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके बाद अब जल्द ही भारत में भी बच्चों को वैक्सीनेट करने की तैयारी हो रही है और इसी के साथ सरकार काम कर रही है ताकि आने वाले समय में ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा नुकसान भारत को ना हो। इसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार की यह पहल रंग लाए और इस वेरिएंट के साथ ही लोग ज्यादा संक्रमित और प्रभावित ना हो। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।